बागुन वैली व्लॉग। रियासत भाई की मदद से आज बाबून वैली जाएंगे। व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। नाज़रीन किराम, शाल के मुकाम से बाबून की तरफ जाते हुए ये रास्ते इंतहाई दुश्वार हैं और इन रास्तों पर चलते हुए जान हथेली पर रख के ड्राइवर्स को ऊपर टॉप तक जाना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुकीमी ड्राइवर्स ही कामयाब हैं, बसूरत दीगर आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। जीप रैली अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। जंगल बियाबान से गुजरते हुए वादी कश्मीर के संगलाख पहाड़ियों के बिल्कुल ऊपर दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर के वहाँ के कुदरती मनाजिर को अपने सर की आंखों से देखना, यह हर एक इंसान की तमन्ना होती है। 92 लोगों पर मुश्तमिल आज का ये टूर बाबून वैली की तरफ रवाना है। बाबून वैली जाते हुए मौसम का खास ख्याल रखा जाए, बसूरत दीगर आपकी जान को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल गर्म हो चुकी हैं, उनमें पानी डाला जा रहा है और पानी डालने के बाद यहाँ से आगे फिर हम सफर वापस से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ऊपर जाएंगे बाबून वैली और बाबून वैली का जो व्यू है लास्ट में आपको वो भी बताएंगे। तो नाज़रीन इकराम, बाबून वैली टॉप तक पहुंचने के लिए कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटे दरकार होते हैं। इन सब दुश्वार रास्तों को अबूर करते हुए मंजिल मकसूद की तरफ ये काफिला रवान दवा है। नाज़रीन इकराम, तकरीबन 20 मिनट के बाद हम ऊपर पहुंच जाएंगे। आप बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई भी पहाड़ किसी किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और इसीलिए मैं अभी कैप्चर भी नहीं कर रहा। यहाँ पे अभी धुंध बहुत ज़्यादा है और तकरीबन हमारे 20 से 25 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम ऊपर पहुँच जाते हैं और ऊपर पहुँच करके आपको वहाँ के व्यूज़ दिखाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे 10 मिनट रुकेंगे और फिर उसके बाद मज़ीद आगे की तरफ जाएंगे। से आपको यहाँ पे वीडियो कैप्चर नहीं करके बता सकते, लेकिन यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे फीडबैक जरूर लेंगे, उनसे बातचीत जरूर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, क्या हाल है? जी अल्लाह का करम। ये बताएं ब्रो कि अभी इतनी आंधी है, ये जैसे धुआं, इस वक्त धुंध जो है एक धुएँ की मानद है, तो क्या फील कर रहे हैं यहाँ पे? यार ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है और इट्स वेरी बहुत ज़बरदस्त व्यू है ये और मैं वाकई मिस करता। मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया इधर आने को, लेकिन मैं पहले ही से रत्ती गली गया था और फुल थका हुआ था, मैंने कहा रेस्ट करते, लेकिन उन्होंने मुझे फोर्सली इधर फोर्स किया कि यार तुम इधर आओ। तो वाकई यार ये बहुत ज़बरदस्त व्यू है, आप अगर बैक साइड पर कैमरा करें तो
हर तरफ फॉग है, यानी कि बादल इस तरफ फैले हुए हैं। इट्स वेरी गुड। अभी कुछ गाड़ी नीचे रास्ते में आ रही हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, फिर यहाँ से इकट्ठे आगे मैदान की तरफ रवाना होंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हुए हैं यहाँ बाबून वैली में, और बाबून वैली के अंदर तकरीबन हमारे साथ 90 लोग हैं जो लाहौर से तशरीफ लाए हैं। और यहाँ पे क्या क्या इंतजामात हैं, यहाँ पे आपको खाने पीने की अशिया, यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या यहाँ पे सहूलियात फराहम की जाती हैं, वो सब चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। और जो हमारे टूर गाइड हैं उनसे भी बात करेंगे कि आज का सफ़र कैसा रहा, और ये जो व्यू है ब्यूटीफुल व्यू, इसके हवाले से मुख्तलिफ लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनका फीडबैक भी लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। मोहम्मद सदीक पीरज़ादा, आज इनके साथ इनकी मैयत में हम यहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं। लाहौर की 90 लोगों पे मुश्तमिल टीम यहाँ पे पहुँच चुकी हुई है, उनमें से भी चंद एक लोगों से बातचीत करेंगे। तो बताइए कहा कि आपका फीडबैक क्या है, इन लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं ये लेके आऊँगा, इनको ये इतने खुश होंगे, इन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया, और व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ का इंतजामी भी बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर पर गुजार है भाई का जो हमारे साथ आए यहाँ पे। नहीं, थैंक यू सो मच, ये तो हमारा हक है कि हमने ब्लॉग शूट करना है, आप लोगों को गाइड करना है। हम अगर टूर गाइड के तौर पे आपको अवेलेबल होते हैं, आपको अगर हम मज़ीद भी इंफॉर्मेशन देने के लिए अवेलेबल होते हैं, तो ये हमारे लिए नेकी का बायस है। और इंशाल्लाह आगे भी चलते हैं और बातचीत करते हैं आपसे। पे कॉफ़ी मशीन यहाँ पे लाई गई है जो कि बिजली पे और गैस पे चलती है, तो ये देखें आपको यहाँ पे कॉफ़ी भी अवेलेबल है। क्या प्राइस है इसकी? तो 250 रुपये का एक कप देते हैं सर। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस वक्त में खेमा बस्ती जो बाबून वैली के अंदर जो मौजूद है, वहाँ उस खेमे के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और मेरे साथ ड्राइवर आज़ाद मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बापशप भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? मोहम्मद आज़ाद कुरैशी। अच्छा, ये बताएं कि इस रास्ते से आप आए हैं तो कुछ दुश्वारियाँ मुश्किलात तो रास्ते की हैं, लेकिन आपका क्या फीडबैक है? दुश्वारियाँ तो होती है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। हम 6-7 आदमी बिठा के गाड़ी में लेके आते हैं, एक्स्ट्रा जो लेके आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे आना, तो बारिश हो जाती है जब, तो स्लिप वगैरह बन जाता है, उसमें ज़्यादा दुश्वारी होती है। अच्छा, बारिश लग चुकी है सर?
बारिश लगने के बाद फिर आपको गाड़ी नीचे की तरफ लेके जानी है, तो आपको खौफ और ख़तर नहीं है कि जब बारिश ज़्यादा होती है फिर हम रुक जाते हैं यहाँ पर, नीचे नहीं जाते हैं, ज़्यादा स्लिप हो जाता है फिर खतरा है हमें भी और गाड़ी। अच्छा आप बताएं आपका आपका फीडबैक क्या है? सर हम रोज़मर्रा आते हैं, अब तो आदत सी हो गई है रोडों पे हमारे, अब तो हमें कोई मुश्किल नहीं है, बस हम लोड अपना हिसाब से रखते हैं तकरीबन 6-7 लोग, ताकि गाड़ी हमारी बसानी ईजी है और वापस भी हम आसानी से नीचे तक पहुँच जाएँ, और टूरिस्ट भी तकरीबन हम कोशिश करते हैं कि वो खुश रहें जितना हो सके, हम उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, किसी को रास्ते में अगर रुकना हो रुकाते हैं उनको प्रॉपर, किसी ने तस्वीर लेनी हो तकरीबन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं हम, अपनी नहीं कि यार भागें दौड़ें तो ये काम नहीं करते हम, पर स्कूल लेके आते हैं। हमने रिफ्रेशमेंट चाय वगैरह पकौड़े वगैरह खाए हैं और आज का व्लॉग हमारा यहीं पे उसका अख्तिताम होता है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दीजिए इजाज़त, तब तो आपको अल्लाह हाफिज़।